मेरा एक ही प्रश्न है कि 5 अप्रैल को जब हजारों लाखों लोग अन्ना हजारे के अनशन के दौरान सड़कों के ऊपर उतरे थे, वो सरकार से एक ही प्रश्न पूछना चाहेंगे कि उनकी जिंदगी में जो वो भ्रष्टाचार रोज देखते हैं उसके लिए इस बिल में क्या है। अगर पंचायतों में जो भ्रष्टाचार होता है, पंचायतों के कामों में जो भ्रष्टाचार होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कामों में जो भ्रष्टाचार होता है, वो ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि सरकारी लोकपाल के दायरे में वो नहीं आता। सरकारी अस्पतालों में दवाइयां आती हैं, उनकी चोरी हो जाती है, उन दवाइयों की चोरी अभी भी चलती रहेगी क्योंकि सरकारी लोकपाल बिल के दायरे में वो नहीं आती। सरकार ने नरेगा बनाया था, कहा था कि लोगों को रोजगार की गारंटी मिलेगी, लेकिन वो सारा पैसा चोरी हो रहा है, हजारों करोड़ रुपया पैसा चोरी हो रहा है, उस पैसे की चोरी यथावत चलती रहेगी क्योंकि वो लोकपाल के दायरे में नहीं आते। लोग राशन लेने के लिए जाते हैं, उनके राशन की चोरी हो जाती है, वो राशन की चोरी भी चलती रहेगी क्योंकि वो लोकपाल सरकारी लोकपाल के दायरे में नहीं आते। थानेदार के पास अब जब जाते हैं तो थानेदार आपकी FIR दर्ज नहीं करता, दूसरी पार्टी से रिश्वत लेके आपका केस रफा दफा कर लेता है, या दूसरी पार्टी से रिश्वत लेके आपके खिलाफ झूठा मुकदमा लगा देता है, वो भी यथावत चलता रहेगा इस देश में क्योंकि सरकारी लोकपाल बिल के दायरे में नहीं आता। तहसीलदार आपसे पैसे मांगता है, वो भी अब पैसे मांगता रहेगा क्योंकि सरकारी लोकपाल बिल के दायरे में नहीं आता। राशन कार्ड बनवाने के लिए, पासपोर्ट लेने के लिए आपको रिश्वत देते रहना पड़ेगा इस देश में क्योंकि वो सरकारी लोकपाल बिल के दायरे में नहीं आता। दिल्ली की सड़कें जो मानसून के सीजन में तबाह हो जाती हैं, वो अभी भी तबाह होती रहेंगी क्योंकि वो लोकपाल के दायरे के अंदर नहीं आती। सरकार कहती है कि हम पहले ऊपर का भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं, तो अगर सरकारी लोकपाल बिल को देखें तो आदर्श घोटाला, ऐसे घोटाले आदर्श घोटाले होते रहेंगे क्योंकि वो भी लोकपाल बिल के दायरे में नहीं आते। CWG स्कैम भी होता रहेगा क्योंकि वो भी लोकपाल बिल के दायरे में नहीं आता। रेड्डी ब्रदर्स का स्कैम भी होता रहेगा क्योंकि वो भी लोकपाल बिल के दायरे में नहीं आता। झारखंड मुक्ति मोर्चा में जैसे कुछ MPs ने रिश्वत लेके संसद में वोट डाली थी, इस तरह से हमारे देश के सांसद रिश्वत लेकर वोट डालते रहेंगे क्योंकि वो भी लोकपाल बिल के दायरे में नहीं आते। कैश फॉर वोट स्कैम चलते रहेंगे क्योंकि वो भी लोकपाल बिल के दायरे में नहीं आता। ताज कॉरिडोर स्कैम, बॉर्डर स्कैम, माइनिंग स्कैम, ये सारे घोटाले चलते रहेंगे क्योंकि वो भी लोकपाल बिल के दायरे में नहीं आते। बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि सरकारी लोकपाल बिल के दायरे में आता क्या? पिछले 20 साल में जितने घोटाले घटित हुए हैं, सरकार उनमें से 5 ऐसे घोटाले बता दे जो कि इस लोकपाल बिल के दायरे में आते हैं। तो ये लोकपाल बिल ये बना किस लिए है, किन लोगों के लिए बना है? एक आज ये कहा गया कि देश में 125,000 कर्मचारी हैं, इन लोगों के भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए हम कैसे, तो क्या सरकार 125,000 कर्मचारियों को रिश्वत लेने के लिए खुला छोड़ देगी? जब सरकार ने चुनाव लड़े थे और इस देश की सरकार वो बनी थी, उन्हें ये सोचना चाहिए था कि वो एक बहुत बड़े देश की सरकार बनने जा रही है जिसमें 125,000 कर्मचारी हैं। अगर सरकार 125,000 कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए अपने आप को असक्षम पाती है तो ये बहुत दर्द की बात है। जैसे मर्डर हत्या क्राइम है, जैसे बलात्कार क्राइम है, वैसे ही कानून के अंदर भ्रष्टाचार भी क्राइम है, उतना ही संगीन क्राइम है जितना कि मर्डर और बलात्कार क्राइम है। कल को अगर देश भर में उतने मर्डर बढ़ जाते हैं जितना आज भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, उतने बलात्कार होने लग जाते हैं जितना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, तो क्या सरकार ये कहेगी कि क्योंकि इतने सारे हमारे को कर्मचारी लगाने पड़ेंगे इसलिए हम मर्डर नहीं रोक सकते? तो सरकार को जो भी करने की जरूरत है, 125,000 कर्मचारी हैं, तो 125,000 कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने पड़ेंगे। ये एक्सक्यूज हम लोगों को बिल्कुल मंजूर नहीं है। सरकार एक गुमराह कर रही है, लोकायुक्त को इस कानून के थ्रू नहीं बनाया जा रहा। एक भ्रांति ये फैलाई जा रही है कि सरकार की ये पावर नहीं है, सरकार की ये पावर है क्योंकि ITC और CRPC कंकरेंट लिस्ट के दायरे में आते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इसी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 1988 में बनाया था, राजीव गांधी जी के टाइम में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बना सकती है तो वो लोकपाल बिल के जरिए लोकायुक्त भी बना सकती है। वो सरकार देश को गुमराह करती है ये कहकर लोकायुक्त उनको बनाने की पावर नहीं है। दूसरा, सरकार कहती है कि CM इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले जून के पहले सप्ताह में
जब कमेटी की तरफ से प्रणब मुखर्जी साहब ने चिट्ठी लिखी थी सारे मुख्यमंत्रियों को, तो जितने कांग्रेस रूल्ड स्टेट थे उन्होंने सबने चिट्ठी वापस लिखी थी कि जो हाईकमांड कहेगा हम वो मानने को तैयार है। तो हाईकमांड जो कहे, मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो हाईकमांड कहेगा वो मानने को तैयार है, हाईकमांड कहता है कि मुख्यमंत्री जो कहेंगे वो मानने को तैयार है। तो एक दूसरे के पाले में बॉल को फेंका जा रहा है। तो मोटे मोटे तौर पर हम यही कहना चाहते हैं कि देश भर में जो मैंने आपको इतने सारे उदाहरण दिए, भ्रष्टाचार यथावत बना रहेगा, एक और कानून आ जाएगा, एक और संस्था बन जाएगी और कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को फिर से और नौकरी मिलती रहेगी। इस लोकपाल बिल से लगता है कि केवल इतना होने वाला है, भ्रष्टाचार से निजात लोगों को नहीं मिलने वाली।